जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आप अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज बच्चों में आपके लिए लेकर आया हूँ अभ्यास प्रश्न 4.5। जो टारगेट अपना है वो 70 में 70 है। मैं तो आपको हम पढ़ा ही रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 35 आपके सामने क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग इतना है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मैंने इसको हल करने के आपके लिए दो तरीके बताए थे। मैंने जब विषम की बात होगी तो आप इसे x प्लस 1 और x प्लस 3 मान सकते हैं, या x और x प्लस 2 से भी मान सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हमने मान ली। देखो, मैंने अभी पिछला वाला सवाल किया था x प्लस 1 और x प्लस 3 से, ठीक है। मैंने कहा था x और आप किससे x और x प्लस 2 से क्या करना बच्चा, हल करना। दो पूर्णांक हमने मान लिए, एक x और एक x प्लस 2। मैंने x प्लस 1 और x प्लस 3 से तो आपको हल करा दिया था। अब मैं इस तरीके से और हल करके आपको बताता हूँ। कह रहा पूर्णांकों के वर्ग नहीं, इनके वर्ग करना है, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 294, ठीक है। मैंने x प्लस 1 x प्लस 2 से तो हल करके दिया था। जो विषम पूर्णांक होते हैं x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 ऐसे बनते जाते हैं, ठीक है। मैं इस वाले से और करके दिखा रहा हूँ आपको, आंसर आएगा आपको, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है। आप जी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 394। कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर जिसका स्क्वायर होगा जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर जी पूरा लिखेंगे सही क्रम में एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स स्क्वायर। 2 का वर्ग आप सब जानते हैं 4 होता है, और 2 × 2 = 4x होता है। किसी को दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। शिल्पा कह रही हम इसको धर लिया। हमने कहा हाँ ले आओ, घर की बात है तुम्हारी। एक जे सेम सेम जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, एक और एक 2x स्क्वायर प्लस उसको उधर लिखेंगे 4x, जिसको लिखेंगे प्लस के 4 उधर लिखेंगे माइनस के 394। क्योंकि भैया प्लस के तो इधर आएंगे, माइनस के होना ही है इनको, इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर 4x घटेगे दो बचे माइनस के 390 बराबर 0। क्योंकि माइनस की संख्या जो है बच्चा वो बड़ी है, क्या है बच्चा बड़ी है। दो कॉमन ले लेंगे फटाक से, तो लिखेंगे x स्क्वायर, 2 का इसमें भाग देंगे 2x, और 2 का इसमें भाग देंगे 2 × 2 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10 बराबर 0 बराबर 0। तो 2 जैसे हमने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचे, जब देखो गुणा में है तो इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, भाग तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 195 बराबर 0। अब बात आती है अवाज गुणनखंड की। मुझे 195 अवाज गुणनखंड करने के, घटाने पर कितने बचे, 2 बचे। तो मैंने कहा मैं 195 अवाज गुणनखंड आपको करके दिखा दिया। जैसे 2 देखो 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि कई के स्थान में 2 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से देंगे 3 × 5 = 18, 1 × 3 = 15। अभी 3 से नहीं कटेगा उससे 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 15, 13 से कटेगा, 13 × 13 आप सबको दिख रहा है कि 5 × 3 = 15, 15 और 13 का गुणनफल करेंगे तो आएगा 195, 15 में 13 घटा देंगे तो बचेंगे 2। तो इधर अच्छे क्रम में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम 15 में से 13 घटा देते हैं तो बचते हैं 2, और 15 और 13 का गुणा करते हैं तो आते 195। कितना आता बच्चा 195। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, अंदर गुणा करेंगे तो 15x और जी माइनस के 13x और जी माइनस के 195 बराबर 0। मैंने कहा कौन क्या मिल रहा, आपने कहा x कौन मिल रहा, तो x को मान लिया तो बचेगा x, इधर बचेंगे प्लस के 15, इसमें से माइनस 13 को मान लिया, माइनस माइनस प्लस 13 से 13 कटेगा x माइनस 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 प्लस 13 का भाग देंगे 13 × 13 = 65 बराबर 0। दोनों कोष्टक एक से मिल गए, लिखेंगे x प्लस के 15 इधर बचेगा x माइनस के 13 बराबर 0। आप सब जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक की बात कह रहा है तो ऋण में तो आएगा नहीं, तो ये क्या है अमान्य, से क्या कह देंगे अमान्य, क्योंकि जो आंसर निकलेगा ये माइनस के आएंगे और माइनस के धनात्मक का मतलब है धन में आना चाहिए। तो इसे क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो तब क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा 13, x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब अपन ने धनात्मक पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक जो भी मान सकते, जो अपन ने माने थे वो x था और एक x प्लस 2 था, तो लिख सकते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक जो अपने थे वो क्या थे, आपको एक x माना था और एक x प्लस 2, तो एक आ गया 13 और एक आ गया 13 प्लस के 2, कहने का मतलब 13 और
15। तो यही आपका परम सत्य आंसर। अब ऐसा नहीं कि मानकर हल कर रहे हो आप x x और x प्लस टू से और मान रखो x प्लस वन और x प्लस थ्री में, तो वो आपका गलत होगा, वो आपका गलत हो जाएगा बच्चा। तो इसी का ख्याल रखना, जिसमें आप जो मानो उन्हीं पूर्णांक को कुछ नहीं करना था, जो उधर को दो क्रम आगे पूर्णांक दे रहे थे वो मैंने मान लिए बस, और गुणनखंड करना था जी आप सब सीख चुके हो, मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसी क्रम में चलती हुई बात कर लेते प्रश्न नंबर 36 की। देखो सवाल ऐसे ही है, कुछ नहीं करना, क्या तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमने कहा तीन क्रमागत है कोई दिक्कत नहीं, और इसी प्रकार से पहली संख्या का वर्ग तथा दो संख्या के गुणनफलों की योग 46, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। कितना सरल सवाल है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना, माना तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक तो क्या क्या है, आप पहले मानेंगे x, अगर क्रम क्रम उसने क्रमागत का ना सम की बात की ना विषम की बात की, तो लिखेंगे x, दूसरा मान लेंगे x प्लस वन और तीसरा मान लेंगे x प्लस टू। अगर वो तीन क्रमागत विषम की बात करता तो हम मानते x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, ऐसा मान लेते x, x प्लस टू, x प्लस फोर, लेकिन उसने क्रमागत किया तो पहले x आएगा, फिर x प्लस वन होगा, फिर x प्लस टू, यानी प्राग संख्या उसमें जोड़ते चले जाएंगे x में, ठीक है। पहले जीरो जोड़ा, फिर एक दो तीन चार, ऐसे बनती चली जाती हैं। अब बात उस सवाल की, अब इधर तक तो हमारी ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब वो कह रहा कि पहली संख्या का वर्ग, तो यानी पहली संख्या हमारी जी है तो इसका हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा, वर्ग तथा जो शेष दो संख्याओं के गुणनफल, तो जो दो शेष बसे ए वाली और ए वाली, तो इनका आपस में क्या कर देंगे हम, गुणनफल, हमने इनका आपस में क्या कर दिया, गुणनफल, गुणनफलों का योग, यानी इसका और इसका क्या है योग, योग कितना है 46 है। कोई दिक्कत आपको, देखो उसने कहा पहली संख्या का वर्ग, भैया मैंने पहली संख्या उठाया उसका वर्ग कर दिया, कह रहा शेष दो संख्या उनके गुणनफल, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मैंने आरोप उसमें गुणनफल कर दिया, कह रहा इनका योग, तो मैंने योग को मतलब जोड़ दिया, बराबर कितना 46 हमने, कोई दिक्कत, घर से अपन प्रश्न को हल करते हैं, इतना तो अपन समझ आ गया इसको, एक्स स्क्वायर पहली संख्या वर्ग और दो संख्या गुणा 46 है। अब जो क्या करना है, अब इसको लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर, अब एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो बच्चा जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएंगे, अब वन का इसमें हम करेंगे तो जो वन एक्स हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2, बराबर अपन को 46 दे रहा, ठीक है। जी और जी जुड़ जाएंगे तो जी 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और जी दोनों जुड़ेंगे जो 3x हो जाएंगे, और जी तो प्लस के 2 ही रहेंगे, और जी प्लस के 46 इधर काय के हो जाएंगे, आप सबको भाई इधर जी हो जाएंगे माइनस के, तो बराबर क्या आ गया 0। अब अपन क्या करें बच्चा, जिसे 2x स्क्वायर ही लिखे रहने देंगे, जिसे 3x ही लिखा रहने देंगे, 46 में 2 घटेंगे तो बचेंगे माइनस के 44 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब हम करेंगे 44 दूना 88, यानी 88 हम गुणनखंड करेंगे, 88 के क्या करेंगे, तो जो 44 होते हैं उसके जो आगे एक्स रखा है उसको आपस में क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, ये गुणा करते हैं, 44 दूनी 88 हो गए। अब 88 ऐसे गुणनखंड करने, घटाने पर कितने बचे बच्चा 3 बचे, घटाने पर कितने बचे 3, 2 से काटेंगे 44 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार 22 बार, फिर 2 से काटेंगे 11 बार, 11 एकम 11, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 में से अगर हम 8 घटा दें, क्या घटा दें बच्चा 2x स्क्वायर प्लस 11 में से कितनी घटा दें आपको भी 8 घटा दो, 11 में से 8 घटा दो 3 बचेंगे, क्या बचेंगे 3, बस बात बन गई हमारी, तो इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर, अंदर गुणा करेंगे तो 11x माइनस के 8x माइनस के 44 बराबर 0। इतना आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो क्या कर रहा अपन, उसमें से पता क्या कौन मिल रहा है x, x जैसे कौन मिल लेंगे तो 2x प्लस के 11 बचेंगे, अब माइनस के तरह से 4 कौन मिल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, तो 2x होगा और 4 से काटेंगे तो भी माइनस माइनस प्लस और जी 11 बराबर 0, तो मुझे पता है दोनों कुछ टाइप से मिल गया, तो 2x प्लस के 11 और एक बचेगा x माइनस के 4 बराबर 0, तो प्लस वाले को तो अपन कर देते छोड़ने पर, छोड़ने पर क्योंकि हमारी जो धनात्मक संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो तब x बराबर कितना हो जाएगा 4, तब x बराबर कितना आ गया 4, और हमें तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो हमने क्या माने थे, तो आपको भी x, x प्लस 1 और x प्लस 2, तो x का माना 4, 4 प्लस के 1 और 4 प्लस के 2, 4 प्लस की x ही जहाँ मान रखें 4, तो जुड़ेंगे तो 4, 5, 6, यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में, कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ गुणनखंड करनी थी और आपका सवाल हल हो जाता, क्या हो जाता हल हो जाता, क्या हो जाता हल हो जाता, ठीक है बच्चा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अब आपके सामने प्रश्न नंबर 37 के, संख्या 7 के दो क्रमागत गुणजों के वर्ग का योग, और भैया गुणों का योग 637 गुणज गया, हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा माना, माना 7 के दो क्रमागत के दो
क्रमागत गुणज, गुणज दो क्रमागत गुणज क्या होंगे, एक होगा हमारा x और एक होगा x प्लस के साथ, x होगा और x प्लस, गुणज का मतलब इससे साथ साथ जुड़ना है, तो एक x होगा और एक दूसरा क्या होगा x प्लस साथ। अब क्या रहा है इनके वर्गों का युग, भैया तो वर्गों का युग मतलब x का स्क्वायर और प्लस x प्लस के साथ का भी दूसरे का गुणज का भी स्क्वायर कितना 637 है, तो आप इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर। अब जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा, तो इसे लिखोगे ए स्क्वायर, फिर लिखोगे प्लस के बी स्क्वायर, फिर प्लस के 2, ए का मान x और b का मान 7 बराबर 637, इसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जी भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जी हो जाएगा 7 का वर्ग 7 × 7 = 49 और जी 7 दूनी 14, x हो जाएंगे बराबर 637। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ये प्लस के 14x इधर लिख लेंगे, ये प्लस के 49 हम यहीं लिखेंगे, ये इधर आएंगे तो बच्चा माइनस के हो जाएंगे, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर, इसे लिखेंगे प्लस के 14x, इन दोनों में घटा जुड़ाई होगी तो ये घटेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे और इधर कितने बचेंगे 5, तो आपके पास जो बचेगा मान वो कितना बचेगा माइनस के 588 आपका जी बचेगा, ठीक है बराबर 0। अब इनमें से कॉमन मिल रहा है तो 2 को जैसे हम कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस 2 × 4 2 × 9 = 18 2 × 4 = 8 बराबर 0। तो जी गुणा में है तो कहाँ में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 294 बराबर 0। अब हमको इसके आवाज गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर कितने बचें, आपको घटाने पर कितने बचने चाहिए 7 बचने चाहिए, कितने बचने चाहिए 7, कितने बचने चाहिए बच्चा 7 के 294 कैसे गुणनखंड करें, घटाने पर कितने बचे 7, तो हमने कहा 294 के हम इधर गुणनखंड करके बताते हैं, 2 × 2 2 × 4 = 8 2 × 7 = 14 7 से काटेंगे 7 × 2 = 14 7 × 1 = 7 7 × 3 = 21 और 3 = 3, तो ये गुणनखंड हो गए हैं। अब आपको देखो करना है कि घटाने पर 7 बचे, तो 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21 कितना हो रहा है एक्स स्क्वायर बराबर, अगर हम 21 में से 14 घटा देते हैं तो 7 बचते हैं और 21 और 14 गुणा करते हैं 294 हो जाता है, एक्स माइनस के 294 बराबर 0। तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 21 एक्स में करेंगे तो ये 14x माइनस के 294 इधर क्या बचेगा 0, इन दोनों में से एक्स कॉमन मिल रहा बच्चा तो बचेंगे एक्स प्लस के 21 माइनस के 14 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा एक्स माइनस माइनस प्लस तो तेरा बचेगा 21 बराबर 0। ये दोनों कोष्टक एक से मिल गया तो इसे लिखेंगे एक्स प्लस के 21 और इसको लिखेंगे एक्स माइनस के 14 बराबर 0। जब बात की गई है क्रमागत की तो जैसे क्या हुआ जे छोड़ने पर क्या कर देंगे इसको छोड़ने पर तो इसको लेंगे प्लस वाले को, यदि एक्स माइनस 14 बराबर 0 तब एक्स बराबर होगा 14 और अपन को 7 के क्रमागत गुणज क्या थे 7 के क्रमागत गुणज, तो 7 के क्रमागत गुणज आप सबको पता है कितने थे, एक था x और दूसरा था x प्लस के 7, तो x का मान आ गया 14, x का मान आ गया 14, तो आ गया 14 और 21, यही आपको अच्छा परम सत्य आंसर है, यही आपको अच्छा परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई, फिर से देख लीजिए कुछ नहीं कह रहा था, बोले संख्या 7 के 2 क्रमागत गुणजों के वर्गों का, एक तो हमने क्रमागत गुणज x और एक दूसरा x प्लस 7 मान लिया, इनको स्क्वायर किया, आप सब जान दो का समीकरण बनेगा और समक सवाल कैसा हो जाएगा बढ़िया हल हो जाएगा दोस्तों, चरण गुणनखंड कर लिया हमने और हमारे आंसर आ गया 14 और 21। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अब आपके सामने प्रश्न नंबर 38 जो कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का, 2 क्रमागत सम संख्या हम जानते पहले ही मान चुके हैं, पहले सेम टू सेम सवाल तो मानेंगे, माना 2 क्रमागत विषम संख्या, माना 2 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी हैं, एक x और एक x प्लस के 2, सम की बात की उसने, किसकी बात की सम की ना की विषम की, किसकी बात की बच्चा सम की, तो एक x और एक x प्लस के 2 का योग 300 वर्गों का योग, वर्गों का मतलब क्या है x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर कितना है, तो आप कहोगे 340, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के इसका फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर फिर प्लस के बी स्क्वायर फिर प्लस के 2 ए का मान एक्स और बी का मान 2 बराबर 340, तो जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 2 × 4 = 4x बराबर 340, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस जी इधर आएगा जी 4x हो जाएगा, जी प्लस का 4 ही रहेगा, जी भैया प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, जब इधर छोड़कर चला जाएगा उधर बचेगा 0, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर
प्लस के 4x। अब 340 में जैसे ही तुम 4 घटाओगे तो बच्चा अपने पास कितने बचेंगे, आपका भैया हमारे पास बचेंगे 336 बराबर 0, क्योंकि मान्य संख्या बड़ी थी, सीमान्य समझे। मैंने कहा दो कॉमन हो ले लो, जैसे कॉमन लोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉमन का मतलब भाग देना, जो बाहर निकाले उसी का उसमें अंदर भाग देना, दो इससे कट गए, दो दूनी 4, दो का भाग दें, दो एक कम दो, दो छः 12, दो अट्ठे 16 बराबर 0। तो कितना बचा है इधर, ये गुणा है तो इधर आएगा भाग में 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 168 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करने, अब हमें इसे क्या क्या करने, 168 के गुणनखंड करने। तो मैंने कहा कर लो 168 गुणा का 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8 होते हैं, 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 21, 7 एकम, घटाने पर कितने बचने चाहिए, 2 बचने चाहिए। सो आपने कहा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 4 3 12। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है कि अगर हम 14 में से 12 घटा देते हैं तो बचेंगे 2, 14 और 12 गुणा करेंगे तो 168 माइनस के 168 बराबर 0। तो जैसे ही हम इसका बच्चा एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो ये 14x हो जाएगा, जो माइनस के 12x हो जाएगा, जो माइनस के 168 बराबर बचेगा 0। इन दोनों में x कॉमन मिल रहा तो x प्लस के 14 बचेंगे, भाग देंगे, माइनस इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो 12 मिल रहा। हम माइनस माइनस प्लस 12 से 12 कट गया तो बचेगा एक्स, माइनस माइनस प्लस 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 चौको 48 बराबर 0। दोनों कोष्टक एक से मिल गए तो लिखेंगे एक्स प्लस के 14 और इस कोष्टक में लिखेंगे एक्स माइनस के 12 बराबर 0। ये प्लस का है तो इसे लिखेंगे छोड़ने पर, या मान्य है छोड़ने पर, अमान्य है छोड़ने पर, तो एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 12। क्या 12 अपन ने अब जो सम दो क्रमागत सम क्या मानी थी, दो क्रमागत सम संख्या। तो वो क्या क्या थी, अब आप कहोगे वो हमारी थी एक एक्स और एक एक्स प्लस के 2। मैंने कहा था एक आ गई 12 और दूसरी आ जाएगी 14। तो ये बच्चा आपका परम सत्य आंसर है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। बेहतरीन कुछ भी नहीं था, पहले ये सवाल था, दो सम की बात का सम मान ली और स्क्वायर कर दिया, गुणनखंड किया और आपका आंसर आपके सामने। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नहीं चलते हैं, आप सबसे विदा लेते हैं बच्चा, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।